हाय गाइस, मैं मिस प्रियंका आस्था, आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं वेलकम करती हूं। हम लोग का पार्लर के थ्रू हम लोग को सेमिनार में अटेंड होने का मौका मिल रहा है, जहां पे कि हम लोग को बहुत सारा मेकअप से रिलेटेड नॉलेज दिया जाएगा, हेयर स्टाइल से रिलेटेड नॉलेज दिया जाएगा और साथ ही साथ वहाँ पे ब्यूटी से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, तो उसे भी हम लोग परचेस करेंगे। सो गाइस, अभी मैं आप लोग के सामने एक नया चीज़ मतलब लाई हुई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें जो भी मैं लेती हूँ आप लोग के सामने शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। तो आज भी हम लोग कुछ सामानों का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आखिर हम क्या अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। सो हम देख सकते हैं, ये है हमारा होम यूज फेस स्टीमर। आप सभी लोगों को पता है हम लोग फेशियल करते हैं या क्लीनअप करते हैं फेस का, तो हम लोग स्टीम देते हैं। स्टीम बोले तो भाप देते हैं, गर्म पानी का भाप। तो आज ये हमारा छोटा स्टीमर है, क्योंकि इसे मतलब हम लोग घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, पार्लर में भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ इसे हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं, घुमा सकते हैं जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़े वहाँ। तो मैंने ये स्टीमर मशीन लिया है यूज़ के लिए और देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से इनको पैकिंग किया गया है। तो चलिए हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ये इसका स्टीम निकलने वाला नल या तो एक तरह का पाइप है जिसे कि ये स्टीम निकलता है, देख सकते हैं। और साथ ही साथ नेक्स्ट हम आप लोगों को दिखा दें, ये हमारा छोटा सा स्टीम मशीन, ये इलेक्ट्रिक के थ्रू चलता है, इसमें वायर भी लगे हुए हैं लंबे जैसे। और साथ ही साथ ये इधर इनका पावर बटन है, अगर हम इसे प्रेस करेंगे तो ये ग्रीन कलर का चलेगा। और इसमें जब भी हम लोग इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे वाटर लेवल दिया हुआ है, जहाँ पे आप वाटर को कहाँ तक आपको डालना है इसमें लेवल दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ मैक्सिमम वाटर लेवल इस जगह तक। और गाइस, ये सिर्फ हम क्या बोलते हैं फेस स्टीम के लिए ही नहीं, इसे हम जैसे जब हमें सर्दी पड़ जाती है हमारे बॉडी में, तो हम इसमें विक्स वेपर डाल करके पानी के साथ मिक्स करके इसका भाप हम लोग नाक से ले सकते हैं और इसे फेस स्पा, हेयर स्पा में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसे मूव करने का तरीका भी बहुत ही बढ़िया है। तो हम लोग देखते हैं इसे यूज़ कैसे किया जाता है। इसमें हम लोग इस तरीके से यहाँ पर से पानी डालते हैं, देख सकते हैं हमारा वाटर लेवल हमें चेक करना है, ये यहाँ तक हो चुका है, इसको हम लोग रख देते हैं। और ये जो स्टीम आने वाला, ये जो पाइप जैसा है, इसे हम इधर फिट कर देते हैं और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसे हम थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो ये इसमें सेट हो जाता है। देखिए ये फिट हो चुका है और ये हम इसे मूव कर सकते हैं, क्योंकि इधर मूव करेंगे तो हमारा मशीन खराब होने के चांसेस होते हैं। सो हम लोग देखते हैं इसे कैसे यूज़ करते हैं। गाइस, अभी हम लोग ये हमारा स्टीम मशीन जो है वो रेडी हो चुका है और हम लोग इसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये जो वायर है इसे हम स्विच बोर्ड में डालेंगे इस तरीके से, फिर इनका पावर बटन यहाँ से ऑन करेंगे और फिर यहाँ पे इसका पावर बटन दिया हुआ, इसे भी प्रेस करेंगे तो ये ग्रीन कलर का चलने लगता है, आप लोग देख सकते हैं। और कुछ देर हम लोग इंतज़ार करते हैं, ये वाटर गर्म होगा, फिर इससे क्या बोलते हैं गर्म होने के बाद ये पानी खोलने लगेगा, इसके बाद यहाँ से स्टीम निकलेगा। सो हम लोग कुछ देर वेट करते हैं। अभी आप लोग यहाँ पे वाटर लेवल जो हमने इसमें डाला हुआ है पानी, तो ये अभी गर्म हो रहा है, आप लोग इनका साउंड भी सुन सकते हैं, आप लोग को सुनाई दे रहा होगा। फिर ये कुछ देर के बाद ये पानी अब खोलना स्टार्ट हो रहा है और कुछ देर के बाद यहाँ से हमारा स्टीम निकलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे अभी इससे वाष्प यानी भाप निकल रहा है। सो इसका टेस्टिमोनियल काफ़ी बहुत ही अच्छा था और ये यूज़ करने में बहुत इजी है। मैं इसको पर्सनली अप करूँगी या फेशियल करूँगी या हेयर स्पा करूँगी, उस समय जब स्टीम लूँगी तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। और दिया गया है इंस्ट्रक्शन बुक, जिससे हमें बहुत सारा नॉलेज भी मिल सकता है, तो इसे हम रीड करके पढ़ करके अपना नॉलेज भी इनसे ले सकते हैं। सो ये स्टीम मशीन आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो
गाइस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा और हमारे साथ इसी तरह आप लोग का प्यार बने रहे, इसके लिए आप सब लोग को बहुत बहुत थैंक यू। सो गाइस तब तक के लिए गुड बाय बाय।